बेटा स्कूल जाएगा। अरे अरे इस तरफ। इतने सारे लोगों की फोटो क्यों लगी है? क्योंकि ये सब गायब हो गए हैं। लेकिन ये लोग गायब क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो भी है बंदर। उसने मुझे बंदर कहा। कोई बात नहीं बेटा, उसे पता नहीं है ना कि तुम। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे बंदर कहता है। इस दीवार के उस तरफ क्या है? उस तरफ कभी मत जाना। क्यों? अब जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। वाह जी, बड़ा तंदुरुस्त बच्चा है जी तुहाडा। दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। ओ शबाश, आपको दूध पीना अच्छा लगता है? दूध पीने से ताकत आती है। आपकी उम्र कितनी है? तीन साल तो काफी कट होंगे ना बच्चे नु स्कूल चलान ली। 3 महीने। ये जल्दी ही वापस आने वाला है। 3 महीने? चंगा मजाक कर लेते हो जी आप। दूध पीने से नहीं ताकत। कितनी उम्र बताई जी इसने? जी वो 3 महीने। ठीक है जी, भेज दो जी स्कूल इसको। जी धन्यवाद। देखो एक चिचिंदर की जात बंदर। उनकी तरफ मत देखो, वो बस मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मारुति। और तुम्हारा? रिंकू। मुझसे दोस्ती करोगे? देखो हाथ मिला रहा है। तुमको कट्टी करनी है तो कर लो, मेरा जो भी दोस्त बनता है ना उस पर सब हंस जाए। अब से नहीं हंसेंगे। क्यों रे बंदर, चल जा यहाँ से। अब बोलो हंसोगे मेरे दोस्त पर? हाँ। मारी ताकत तो बहुत ज्यादा है। 2 भैंसों का दूध पीता हूँ मैं, पर मेरी ताकत तो बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ ना। ए मिंकू, अपने दोस्त से बोलो ना हमसे दोस्ती करने को। पहले बोलो तुम लोग हंसोगे मेरे ऊपर? नहीं, हम नहीं हंसेंगे। सॉरी बोलो। सॉरी मिंकू। ठीक है, मुझे सोचने दो मैं दोस्ती करूंगा या नहीं। चलो मिंकू, आज से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मुन्नी वो देखो, मिंकू हंस रहा है। हाँ मैं भी देख रही हूँ। ये मुन्नी है और ये डड्डू मेरे दोस्त। ये है मारुति, पता है इसने आज क्या किया? तुम्हारी शक्ल कुछ डिफरेंट है। दीवार के उस तरफ एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। हाँ, एक आँख वाला राक्षस। ये राक्षस क्या होता है? तुम्हें राक्षस नहीं पता? नहीं। अरे राक्षस आदमी खाता है स्टूपिड। चलो चलते हैं। पागल हो क्या, उधर नहीं जाना चाहिए। चलो ना चलते हैं, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। हाँ? नहीं मारुति, वहाँ मत जाओ, वहाँ राक्षस है। क्या देख रही हो मुन्नी? मारुति कुछ डिफरेंट है। मारुति फिर क्या हुआ, राक्षस दिखा? लेकिन उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी।
मारुति जैसी राक्षस की शक्ल। मारुति कुछ डिफरेंट है। ये लड़की फोड़ेगी भांडा।